हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल रिसर्च मेंटर। मैं डॉक्टर निधि अरोरा कुमार। इस वीडियो में आज बात करूंगी मेजरमेंट स्केल्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वेरिएबल्स की, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल, राइट। अब उन वेरिएबल्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उनके स्केल क्या होते हैं। अब मेजरमेंट स्केल्स क्या होते हैं? एक्चुअली मेजरमेंट स्केल्स वो इंस्ट्रूमेंट या टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने वेरिएबल्स को एक से दूसरे की तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। अब समझाती हूँ इसे मैं आराम से, तो समझ में आएगा। चार तरह के स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल, राइट। हम किस तरह से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है एज, दूसरा वेरिएबल है जेंडर, तीसरा वेरिएबल है डिपार्टमेंट, चौथा वेरिएबल है सैलरी, ठीक है। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो इन वेरिएबल्स को मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ। तो चार स्केल्स मेरे पास हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल स्केल वो स्केल होता है जिसमें रिसर्चर अपने सब्जेक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर पाता है। कैटेगरीज में डिवाइड करने का क्या मतलब है? मान लीजिए जेंडर जो मेरा वेरिएबल है उसमें मैं दो कैटेगरीज बना देती हूँ, मेल एंड फीमेल, और उनको कोड कर देती हूँ, मेल को 1 से, फीमेल को 2 से, या कोई भी कोडिंग दे सकती हूँ, मेल को 5 से और फीमेल को 7 से। ये रेंडम नंबरिंग होती है, राइट। कोई भी कोड मैं उन्हें दे सकती हूँ, कोड नंबर मैं उन्हें दे सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉमिनल स्केल में मैंने वेरिएबल्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, राइट। अब ये जो कैटेगरीज होती हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट एक ही कैटेगरी में जाएगा, इधर मेल और फीमेल में। ऐसा नहीं होगा कि एक वेरिएबल मेल में भी आ जाएगा और रिकॉर्ड जो है, एक सब्जेक्ट जो है वो मेल में भी आ जाएगा और फीमेल में भी आ जाएगा, वो किसी एक ही कैटेगरी में फॉल करेगा। और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि जब दोनों को मैं मिला दूंगी तो वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हो जाएगी कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो पूरे हो रहे हैं, राइट। तो ये हमारे जो है ये नॉमिनल स्केल में होता है कि कैटेगरीज हम बना देते हैं और वो कैटेगरीज जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होती हैं, राइट। और ये जो इंफॉर्मेशन जो नॉमिनल स्केल पे होती है ना, इसे हम नॉर्मली क्यों यूज करते हैं? ये कुछ बेसिक कैटेगोरियल ग्रॉस इंफॉर्मेशन जब हमें चाहिए होती है ना, तब हम नॉमिनल स्केल को यूज करते हैं, राइट। नॉमिनल स्केल में जब हमने किसी चीज किसी वेरिएबल को नॉमिनल स्केल पे लिया हुआ है तो उसमें जो हम टेस्ट लगा सकते हैं उसमें हम सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी। जैसे कि जेंडर है, जेंडर को मैंने डिवाइड किया हुआ है दो कैटेगरीज में, मेल और फीमेल। नाउ आई वॉन्ट टू सी कि जो ई कॉमर्स साइट है या ई कॉमर्स है, ऑनलाइन शॉपिंग, मेल्स ज्यादा करते हैं या फीमेल्स ज्यादा करते हैं, राइट। आई वॉन्ट कि मेल का ई कॉमर्स बिहेवियर कैसा है और फीमेल्स का ई कॉमर्स बिहेवियर कैसा है। तब मैं ये नॉमिनल स्केल पे मेरा है तो मैं इसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकती हूँ, मैं परसेंटेज फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मेल ज्यादा आ रहे हैं या फीमेल ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे हम नॉर्मली फ्रीक्वेंसीज को, या जब हमें परसेंटेज यानी कि जब मुझे मोड निकालना होगा तब मैं वो नॉमिनल स्केल पे निकाल पाऊंगी। दूसरी तरह का स्केल होता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल कैटेगराइज तो करता ही है वेरिएबल्स को, ये उन वेरिएबल्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में रैंक भी कर देता है, राइट, कि उसकी रैंकिंग भी कर देता है। ऑर्डिनल स्केल जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नॉमिनल स्केल से, राइट। अब ये जैसे कि आप इसे एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने चार पांच जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी कि पहला कैरेक्टरिस्टिक जिया कि वर्क इंडिपेंडेंटली, राइट। दूसरा हो गया कंप्लीट अ होल टास्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। तो इसमें से आपको कैटेगराइज करना है
कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंटली वर्क करना सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दूसरों से इंटरेक्शन वाइल यू आर वर्किंग आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है, या अपने काम को शुरू से लेके आखिर तक कंप्लीट करना इज इम्पॉर्टेंट। तो आप उसे रैंकिंग दीजिए कि मान लीजिए मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वर्किंग इंडिपेंडेंटली, तीसरे पे मैं कह देती हूँ, दूसरे पे मैं कह देती हूँ कंप्लीट दी होल टास्क, और तीसरे पे मैं कहती हूँ, तीसरे पे मैं नंबर देती हूँ इंटरेक्ट विद अनदर। दूसरे सब्जेक्ट ने क्या कहा, दूसरा जो सब्जेक्ट था अंडर स्टडी उसने कहा नहीं मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इंटरेक्शन विद अदर, तो उसने वन को फर्स्ट नंबर, इंटरेक्शन को फर्स्ट नंबर दिया। फिर उसने सेकेंड नंबर पे कहा वर्क इंडिपेंडेंटली इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, एंड थर्ड इज, थर्ड को जो उसने रैंकिंग किया वो कहा कि कंप्लीटिंग द होल टास्क फ्रॉम द बिगनिंग वो मेरे लिए थर्ड पे आता है, राइट। तो ये जो है इसमें हम देखिए, इसमें हमने कैटेगराइज तो किया ही किया, उसके साथ साथ हमने उन्हें रैंकिंग भी दे दिया, लाइक वर्स्ट टू बेस्ट टू वर्स्ट कर देते हैं कि आपको प्रोडक्ट में है, आपको प्रोडक्ट में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है और प्रोडक्ट में सबसे खराब चीज क्या लगती है। क्या उसकी मान लीजिए एक साबुन है, उसमें आपको बताना है कि आपको सबसे अच्छा इस साबुन में क्या लगता है और सबसे खराब क्या लगता है। मैंने 4-5 पॉइंट दे दिया कि इसकी फ्रेग्रेंस पे आप बताइए, आपको उसकी फ्रेग्रेंस कौन से नंबर पे इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी सोप की अच्छी है, उसका टेक्सचर कैसा है मतलब आपकी स्किन पे वो कैसा इम्पैक्ट डालता है, ड्राई कर देता है या आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, राइट। या फिर उसकी क्वालिटी से कह सकते हैं हम कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तो किसी को फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, फ्रेग्रेंस अच्छी लगी इसलिए प्रोडक्ट खरीदा, किसी को क्वालिटी अच्छी लगी इसलिए प्रोडक्ट खरीदा। तो यहाँ पे हमने उनकी रैंकिंग कर दी है, राइट। ये नॉमिनल स्केल से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता ही है, राइट। अब यहाँ पे जो हमने रैंकिंग किया है ना, ये जरूरी नहीं है जब जब मैंने रैंक दिया है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वर्किंग इंडिपेंडेंटली फर्स्ट नंबर पे है और जो थर्ड नंबर पे है दैट इज कंप्लीटिंग अ होल टास्क फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, वो थर्ड नंबर पे अगर मैंने दिया तो इसका मतलब नहीं है कि वन और थर्ड के बीच में डिफरेंसेस जो है वो दो का है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट नंबर दिया वर्किंग इंडिपेंडेंटली, सेकेंड नंबर दिया इंटरेक्ट विद अदर्स, ये सेकेंड नंबर पे रखा मैंने क्वालिटी को, थर्ड पे लगा कंप्लीट द होल टास्क फ्रॉम द बिगनिंग, तो ये जो 1, 2, 3 का डिफरेंस है जरूरी नहीं है। हो सकता है वर्किंग इंडिपेंडेंटली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है पहले नंबर पे, लेकिन इंटरेक्ट विद अदर्स जो है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसे मैं फर्स्ट भी कर सकती थी, लेकिन कंप्लीटिंग द होल टास्क और इंटरेक्ट विद अदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मुझे प्रेफर करना पड़ेगा तो मैं किसी एक चीज को प्रेफरेंस करूंगी, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि वो मैग्नीट्यूड मतलब 1 से 2 और 2 से 3 के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, ये हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है 1 से 2 जब हमने रैंक किया 1 और 2 के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, 2 से 3 के बीच में कम है, या 2 से 3 के बीच का ज्यादा है 1 से 2 के बीच का कम है। तीसरा स्केल होता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उस पे वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जब हम इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डिनल स्केल में, ऑर्डिनल स्केल में हम मीडियन को कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन इंटरवल स्केल में हम अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। ये जो 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है ना उसे मेजर करने में हेल्प करता है इंटरवल स्केल। वी कैन मेजर द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 96.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ठीक है 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो एक एक का डिफरेंस है, वी कैन मेजर द डिफरेंस। 96.5 और 104 डिग्री के बीच में वी कैन मेजर द डिफरेंस की 96 और 104 में कितने डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ गया, तो हम इस डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए 100 किसी का टेम्परेचर 100 डिग्री है और किसी का 104 है, तो हम क्या कहेंगे कि 4 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है, राइट।
तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स स्केल के, वो हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि हम डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट उसे मेजर कर सकते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन दिस डेटा। ठीक है, तो हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा इस तरह का जो होता है, ये हमारा इंटरवल स्केल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने पांच पॉइंट्स ले लिए, एक पे मैंने कहा स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री, नॉट डिसएग्री, एग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री। चलिए हम तीन पॉइंट पे बात करते हैं, डिसएग्री, एग्री, नीदर एग्री, नॉट डिसएग्री। ठीक है, अब मैंने जो डिसएग्री को कहा वो मैंने नंबर वन दिया, नीदर एग्री नॉट डिसएग्री को नंबर टू से डिनोट किया और एग्री को नंबर थ्री से डिनोट किया। अगर एक पॉइंट पे मैं कहती हूँ इंटरेक्टिंग विद अदर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, डू यू एग्री दैट इंटरेक्टिंग विद अदर्स व्हाइल यू आर वर्किंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट? आई से आई डिसएग्री, आई थिंक दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाइल यू आर वर्किंग, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरों से इंटरेक्ट करें, राइट? फिर दूसरे पॉइंट पे मैंने पूछा यूजिंग नंबर ऑफ डिफरेंट स्किल्स इज इट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने बोला कि यस आई एग्री। तो डिसएग्री और एग्री के बीच का मैं जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ, वन टू और थ्री के बीच का आई कैन कैलकुलेट द डिफरेंस, राइट? तो ये जो है इस तरह का जो स्केल है ये इंटरवल स्केल होता है, और ये ज्यादा पावरफुल स्केल होता है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे। हम इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैलकुलेट कर पाते हैं। सबसे पावरफुल स्केल जो होता है वो होता है रेशियो स्केल, राइट? इंटरवल स्केल में आर्बिट्री ओरिजिन होता है। आर्बिट्री ओरिजिन का क्या मतलब है, जैसे टेम्परेचर है, हमने स्टार्ट किया 96.5 से, व्हाई फ्रॉम 96.5? अगर मैं कह रही हूँ एग्री डिसएग्री और एग्री डिसएग्री, नीदर एग्री नॉट डिसएग्री, एग्री को मैं डिनोट कर रही हूँ 8 से, नीदर डिसएग्री को मैं डिनोट कर रही हूँ 9 से, और डिसएग्री को मैं डिनोट कर रही हूँ, डिसएग्री को 8 से किया है, नीदर एग्री नॉट डिसएग्री को 9 से किया है, और एग्री को 10 से डिनोट कर रही हूँ, 1, 2, 3 से नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो इंटरवल स्केल है उसका आर्बिट्ररी ओरिजिन होता है, लेकिन रेशियो स्केल का ओरिजिन परफेक्ट होता है, वो जीरो से ओरिजिन, जीरो पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है? ये होल नंबर होता है, राइट? यहाँ पे हम डिफरेंस जो है मैग्नीट्यूड बिटवीन द पॉइंट्स, जो स्केल के बीच में डिफरेंस है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं, राइट? ये सबसे पावरफुल स्केल होता है। जैसे कि मैं अगर कह रही हूँ कि 0 से 1 और 0 से 2 के बीच का डिफरेंस आई कैन कैलकुलेट के कितना डिफरेंस है वो, राइट? 0 से 1 का 1 है, 0 से 2 का 2 डिफरेंस है, तो आई कैन कैलकुलेट द डिफरेंस, राइट? तो रेशियो स्केल जो है वो मोस्ट पावरफुल स्केल होता है। रेशियो स्केल भी हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ अगर हम स्केल को कंपेयर करें कुछ पॉइंट्स पे, जैसे हम स्केल को कंपेयर करें अगर डिफरेंस के पॉइंट पे, ऑर्डर के पॉइंट पे, डिस्टेंस, यूनिक ओरिजिन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शंस एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो जो नॉमिनल है, नॉमिनल स्केल होता है, उसमें डिफरेंस होता है, यस डिफरेंस हम करते हैं, कैटेगरीज हम बनाते हैं, लेकिन ऑर्डर करते हैं उसे, हम उसे ऑर्डर में नहीं लाते हैं, हमारे लिए ऑर्डर नहीं, रैंकिंग हम नहीं करते हैं। डिस्टेंस, वी कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू, 7, 8, 8, 10 कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस, जरूरी नहीं है वो इक्वल हो, राइट? यूनिक ओरिजिन होता है, इस इनमें जो हम पॉइंट्स लेते हैं वो हमारे यूनिक ओरिजिन नहीं होते। 7, 8 ले लूं मैं, 1, 2 ले लूं, हार्डली मैटर्स। इसमें हम क्या मेजर कर सकते हैं, मोड मेजर करते हैं इसमें सेंट्रल टेंडेंसीज में। और ये नॉमिनल डाटा पे हम कौन सा टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, नॉमिनल डाटा पे हम काई स्क्वायर टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। ऑर्डिनल डाटा क्या होता है, ऑर्डिनल डाटा पे डिफरेंस होता है, यस हम कैटेगरीज बनाते हैं, डिफरेंस होता है। ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनल डाटा को ही हम रैंकिंग करते हैं। क्या हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं जब हम रैंकिंग कर रहे हैं, कि जैसे हमने नंबर 1 दिया, नंबर 3 दिया, नंबर 2 दिया, उनके डिस्टेंस इक्वल है या अनइक्वल है, ये हम मेजर कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। We cannot measure the distance. Unique origin नहीं होता है, जरूरी नहीं है 1, 2, 3 दूं, मैं 7, 8, 9 भी ranking कर सकती हूँ उनकी। इस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है median निकाल सकते हैं, और normally ordinal data पे हम correlation, rank order correlation लगा सकते हैं।
इंटरवल स्केल में डिफरेंस होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है, हम कैटेगराइज करते हैं, ऑर्डर होता है, बिल्कुल होता है, एग्री नीदर एग्री नॉट डिसएग्री डिसएग्री का, डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं, हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते हैं, इक्वल ओरिजिन नहीं हो, इक्वल डिस्टेंस जरूरी नहीं है हो, यूनिक ओरिजिन भी नहीं होता, मैं उसे 1 2 3 नंबर दूं या 6 7 8 नंबर दूं, वो जरूरी नहीं है कि यूनिक ओरिजिन हो। इस पे हम कौन से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इस पे हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। इस पे हम जो है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती की हुई है, यहाँ पे इंटरवल पे मैं डिस्टेंस मेजर कर सकती हूँ, जब मैं डिस्टेंस मेजर कर पाऊंगी तभी तो अरिथमेटिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस निकाल पाऊंगी, राइट। तो आई कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ, यहाँ पे हम टी टेस्ट और एफ टेस्ट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनको, राइट। दूसरा होता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या होता है, रेशियो स्केल होता है जहाँ पे, अगर मैं इस रेशियो स्केल की बात करते हैं अगर हम, तो रेशियो स्केल जो है वो होता है डिफरेंस। कैन यू मेजर द डिफरेंस, यस डेफिनेटली आई कैन मेजर द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट। बट ऑर्डर, यस आई कैन ऑर्डर रैंकिंग में इनकी कर सकती हूँ। डिस्टेंस, आई कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। यूनिक ओरिजिन होता है, रेशियो स्केल ही ऐसा स्केल है जिसमें यूनिक ओरिजिन होता है। मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसीज, तो इसमें हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों निकाल सकते हैं। डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस और कोफिशियंट ऑफ वेरियंस को निकाल सकते हैं, और ये हम इसे टी टेस्ट और एफ टेस्ट पे, रेशियो स्केल का जो भी डेटा होगा उस पे हम टी टेस्ट और एफ टेस्ट लगा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे।